उत्तराखंड के कई इलाकों में बिजली की कमी जल्द दूर हो सकती है। दरअसल हरिद्वार के भगवानपुर के नजदीक भलसवा गांव में सोलर पावर प्लांट लगाया गया है, जिसे प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट माना जा रहा है, जिसका शुभारंभ शुक्रवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। खास बात तो ये है कि ये प्लांट तय वक्त से पहले ही तैयार कर लिया गया है। उत्तराखंड के कई इलाकों में आने वाले दिनों में बिजली का संकट खत्म हो सकता है और अंधेरे में रहने वाले इलाके जगमगा सकते हैं। दरअसल उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने की कवायद रंग लाने लगी है। बिजली की कमी को दूर करने के लिए रुड़की के भलसवा गांव में सोलर ऊर्जा प्लांट लगाया गया है। इस परियोजना का लोकार्पण 21 अप्रैल को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। यहाँ पर हमारे सौर प्लांट है, उनका उद्घाटन भी होना है, उस स्थान को भी चेक किया जा रहा है ताकि माननीय महोदय के सुरक्षा के अनुसार से इसका कार्रवाई की जाए। खास बात यह है कि 16 अक्टूबर 2016 को इस प्लांट का काम शुरू किया गया था, जिसे तय वक्त से पहले यानी करीब 5 महीने में ही तैयार कर लिया गया है, जो कि 72 मेगावाट का सोलर ऊर्जा प्लांट है। करीब 450 करोड़ की लागत से इस प्लांट को तैयार किया गया है, जिससे रोजाना करीब 3.25 लाख यूनिट बिजली पैदा की जा सकती है, जिससे आसपास के गांवों में भी बिजली सप्लाई की जाएगी। ये लगभग 22.5 बीघे जमीन में हमने लगाया है, यहाँ पर 65 मेगावाट है और 450 करोड़ के आसपास का खर्चा है। 3.5 लाख यूनिट पर डे पड़ोसन जो बिजली कट की है, उनकी थोड़ी बहुत परेशानी थी हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में, मेरे ख्याल से इससे काफ़ी कुछ बिजली कट की जो परेशानी थी हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में, उससे काफ़ी कुछ सुधार आ जाएगा वहाँ। और गवर्नमेंट अभी और भी इसके बाद भी RPO लेकर आ रही है, तो मेरे ख्याल से अगले 1-2 साल में पूरा कम्प्लीट हो जाएगा, उत्तराखंड को सरप्लस हो जाएगी बिजली उत्तराखंड। इस पावर प्लांट की एक और खासियत है कि ये पूरी तरह प्रदूषण मुक्त है। इस प्लांट से भगवानपुर क्षेत्र की नई पहचान तो बनेगी ही, इलाके में बिजली का संकट भी दूर हो सकेगा। रुड़की से उधम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।